नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो बुलेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए जी, जो कि यूपीसीएल की तरफ से, यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, यूपीपीसीएल की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते आज से सारी इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। ठीक है जी, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हो सकता है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही आप गूगल पर सर्च करोगे एग्जाम जॉब अलर्ट डॉट कॉम, तो आपको ये वेबसाइट पोर्टल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे, ये पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक, ये डायरेक्ट लिंक मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। असिस्टेंट की पोस्ट है जी, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है। 5 एडवर्टाइज नंबर 5 है, 5/2022 है, और इसमें बैचलर इंजीनियरिंग या बैचलर टेक्नोलॉजी मांग रखी है, और 14 पोस्टें हैं, और इसमें आपकी स्किल ट्रेड की स्किल भी मांग रखी है। ठीक है जी, इसमें पे स्केल भी बहुत अच्छा है, 59,000 से लेकर 59,500 तक। ठीक है जी, करीबन करीबन 60,000 ही हो गया। और इसमें स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट की आप बात कर लेते हैं, तो स्टार्टिंग डेट देख सकते हो 24 मई है फॉर्म फिलअप होने की, और लास्ट डेट इसकी 14 जून है जी। ठीक है, और मैक्सिमम फीस 1180 है, मैक्सिमम फीस जनरल की, और मैक्सिमम एज 40 साल है जी। कितनी है जी, 40 साल मैक्सिमम एज आपको देखने को मिलने वाली है। अब बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, थोड़ी सी डिटेल में। जनरल हो, ओबीसी आप यूपी के हो, या इकोनॉमिक वीकर सेशन यूपी के हो, या अदर स्टेट के हो, तो आपकी 1100 रुपये फीस 1180 रहने वाली है। अगर एससी एसटी आप यूपी के हो, तो आपकी 826 रुपये फीस रहने वाली है। अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी कि दिव्यांग हो यूपी के, तो 12 रुपये, सिर्फ 12 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। और 14 जून लास्ट डेट है जी आपकी फीस की, ऑनलाइन फीस की पेमेंट की, और ऑफलाइन फीस पेमेंट की 16 जून लास्ट डेट है। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा भी आप ऑनलाइन मोड में कीजिएगा, बहुत इजी वे में रहेगा। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट है, इसमें बैचलर डिग्री या बैचलर टेक्नोलॉजी मांग रखी है, बीटेक या बीई मांग रखी है सिविल इंजीनियरिंग में, और इसके साथ सेक्शन ए और बी का आपका एसोसिएशन मेंबरशिप का, इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप होनी जरूरी है। ठीक है जी, सिविल या फिर आपकी एसोसिएशन मेंबरशिप और इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर लंदन की होनी जरूरी है। तो इसमें 14 पोस्ट है, अगर मेंबरशिप नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो 18 से 40 साल एज लिमिट मांग रखी है। कब तक, 1 जनवरी 2022 तक। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो आपका रिटन टेस्ट सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होगा, उसके बाद मेडिकल आपका रहने वाला है। ठीक है, अब आपके साथ पूरे लिंक शेयर कर देते हैं। यहाँ पर जैसे ही आपको क्लिक करोगे ऑफिशियली वेबसाइट पर, ये वेबसाइट ऑफिशियली आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है जी ऑफिशियली नोटिफिकेशन लिंक, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अप्लाई लिंक भी बात करें, तो यहाँ पर अप्लाई लिंक भी ओपन हो जाएगा। पहले अप्लाई लिंक की बात कर लेते हैं, इसमें भी आपको डेट सेम मिल रही है देखने को, 24 मई आप लास्ट डेट है जी एसबीएच चालान की, नेट बैंकिंग के थ्रू आप 14 जून तक कर सकते हो 24 मई से, और ऑफलाइन मोड में 16 जून तक आप कर पाओगे। ठीक है जी, मैं तो यही कहूँगा भी आप 14 जून तक ऑनलाइन मोड में कर दीजिए, ईजी वे रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपने रीड आउट करनी है, और इसमें आपको मेंशन किया हुआ है जी और फोटोग्राफ जो है आपकी 100 KB में होनी चाहिए जी, और इसमें डीपीआई वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और 3 मंथ पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, और सिग्नेचर आपके 30 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, 3 मंथ से पुराने ना सिग्नेचर ना ही आपकी फ़ोटो। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल जानने के लिए इन नंबर्स पर आप कंसल्ट कर सकते हो, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। ठीक है जी, और उसके बाद ये सारी टर्म कंडीशन रीड आउट करने के बाद आपने एग्री पर क्लिक करना है। एग्री पर क्लिक करते स्टार्ट पर आपने क्लिक करना है, ये लिंक आपको सीधा मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। वहाँ से आप जैसे लिंक पर क्लिक करोगे, ये ऑफिशियली वेबसाइट आपके लिए ओपन हो जाएगी, यहाँ पर डाउन में आकर लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर कंफर्म कीजिए,
अल्टरनेटर मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा, क्योंकि अल्टरनेटर में क्या होता है कई बार आपका एक नंबर पर कंफर्म नहीं होता तो दूसरा नंबर वेरीफाई हो सकता है। मेल आईडी जरूर रिकन्फर्म कीजिएगा दो बार, ठीक है। यहाँ पर जो भी कैप्चा है, जितनी बार आप फॉर्म फिलअप करोगे, न्यू फॉर्म फिलअप करोगे तो कैप्चा चेंज होगा, हर बार चेंज होगा जी, कैप्चा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है जी। और यहाँ पर आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आपका कह लें क्वालिफिकेशन अपलोड करनी है, आपका मेंबरशिप का प्रूफ अपलोड करना है, आपकी फ़ोटो, आपकी सिग्नेचर और आपकी पेमेंट। पेमेंट करने से पहले आप रिव्यू जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें चेंज करने का कोई ऑप्शन बाद में नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, ये पूरे का पूरा डिटेल है जी, इसमें एसटी पोस्ट के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, और एससी के लिए दो पोस्टें हैं, वो भी आप यूपी की डोमोसाइल होना चाहिए, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 5 पोस्टें, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 1 पोस्ट है, अनरिजर्व की 6 पोस्टें हैं, ठीक है जी। और पे स्केल भी आपको यहाँ पर 7th पे स्केल यानी कि 59,500 पे स्केल आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है जी। और 1 जनवरी 2022 तक 21 साल से लेकर 40 साल आपकी एज होनी जरूरी है। रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल, यूपी के गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ओबीसी और एससी कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है जी। और आपकी ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप है तो 12 महीने की यानी कि 1 साल की, तो भी आप बेनिफिट उसका ले सकते हो। आप रेजिडेंस यूपी के होने चाहिए तो ही आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ले पाओगे। अगर कहीं पर आप वर्क कर रहे हो तो आपको एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना जरूर होगा। अगर नो सर्टिफिकेट दोगे तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। अगर दूसरे में आप कहीं पर सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या किसी तरह भी आप वर्क कर रहे हो तो आपको नो एनओसी देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जी, ठीक है जी। और ये इन्होंने प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, ये सिटीज़ आपको एग्ज़ाम की बता दी है, और इसमें 75% आपके क्वेश्चन बैचलर डिग्री के लिए रहने वाले हैं, 10% आपके जनरल अवेयरनेस के, जनरल नॉलेज के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ के, 5 क्वेश्चन ही जनरल हिंदी के, ठीक है जी। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और उसके बाद 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। कितनी है जी? 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, और आपकी कम से कम जो क्वालिफाइंग नेचर है 30%, 40% आपकी क्वालिफाइंग नेचर मांगी हुई है। सिलेबस की बात करें, सिलेबस जो गेट के लिए होता है वही सिलेबस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सिविल का जो गेट के लिए होता है वही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये एग्ज़ाम आपके मेन मेन 3 दिन में हो जाएंगे कंफर्म, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें फीस की, फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता ही दिया, ये सारा फीस स्ट्रक्चर के बारे में है, ठीक है। उसके बाद अगर मैरिड हो तो मैरिड का प्रूफ भी आपको देना होगा, फिजिकल फिटनेस भी होनी आपकी ज़रूरी है, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये सारे आपको मेल एड्रेस दे दिए हैं, अगर कोई आप ज़्यादा डिटेल पाना चाहते हो तो इस पर आप कंसर्न कर सकते हो, जो कि इन्होंने बता ही दिया जी। आपको करीबन करीबन 3rd वीक आपका जुलाई में गए, 3rd वीक तक आपका एग्ज़ाम रहेगा। टेंटेटिव डेट है जी, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। यहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे, ये लिंक आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करवा दिया गया है, ठीक है जी। और इसमें अगर आप हमारे चैनल इस वेबसाइट पर विजिट करते हो तो वेबसाइट पर विजिट करने के आपको बेनिफिट्स और भी मिलेंगे, जैसे रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जी, लाइव रिजल्ट कोई भी आता है अपलोड करते हैं, एडमिट कार्ड आपको अपलोड करते हैं, सिलेबस डेली की डेली अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको आंसर की भी यहाँ पर हमारी तरफ से देखने को मिल रही है, ठीक है। कोई भी आंसर की आती है तमिलनाडु तक की, कोई भी आ रही है यूपी की, ठीक है, कोई भी आती है तो ऑल इंडिया की आपको आंसर कीज भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और साथ में ये वीडियोस, जैसे जैसे वीडियोस शो होती हैं वो वीडियोस के सारे लिंक यहाँ पर आपको शो होते जाते हैं, आपने सिर्फ क्लिक टू व्यू पर क्लिक करना है तो आप रीडायरेक्ट सीधे यूट्यूब पर जाओगे, यूट्यूब पर जाते ही आपको वीडियो शो हो जाएगी, ठीक है जी। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अगर कोई फॉर्म फिलअप करवाना चाहता है तो व्हाट्सएप पर कंसर्न कर सकता है, आपको फीस वगैरह की डिटेल सारी की सारी मेंशन कर दी जाएगी, प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है जी। अगर इसी तरह की और भी अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो
तो चैनल कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए। अगर आप इस चैनल पर पहले से ही जुड़े हो तो वेब पोर्टल को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि वेबसाइट में सबसे पहले अपडेट देते हैं। कोई भी लिंक एक्टिव होता है तो अपकमिंग की नहीं, लिंक एक्टिवेट की इंफॉर्मेशन सारी देते हैं। जो जो फॉर्म एक्टिवेट हैं, परमानेंट है, रेगुलर है, पे स्केल आपका कितना रहने वाला है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हाइलाइट्स आपको इसमें प्रोवाइड करवा दी जाती है। उम्मीद करते हैं ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।